हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एच पी पी एस सी एलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन आज एट सितंबर को कंडक्ट करवाया गया आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा हुआ होगा तो इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एग्जामिनेशन में इनको डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स देखेंगे एचपी जी के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में आप वीडियो जाके देख सकते हो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन अडल्ट Average adult person at is किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है तो औसत जो नॉर्मल रेंज होती है की वो होती है पंद्रह से अठारह ऑप्शन बी करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल कौन सा यंत्र स्वचलित वाहनों में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है डिस्टेंस मेजर करने में जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम है ओडोमीटर ऑप्शन डी करेक्ट होगा ओडोमीटर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है ओडोमी एट विच ऑफ द फॉलोइंग दिजीजेस इज कॉज ड्यू टू द दे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विटामिन डी की कमी से कौन सा जो है रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस ऑप्शन डी करेक्ट होगा रिकेटस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफ पिस्टल निम्नलिखित में से कौन स्त्री के भाग नहीं है तो वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका ये पार्ट है ओके के, के? Okay, okay? ये अलग है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ये भाग नहीं है इसका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब्स आर यूज्ड इन सोनार सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग इसमें सोनार में कौन सी वेव्स वेव्स यूज़ यूज़ होती हैं तो इसमें फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैलाइडोस्कोप इज बेस्ड कैलाइडोस्कोप इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन रिफ्लेक्शनोप मिनि में से किस परिघटना पर आधारित है क्लाइडोस्कोप तो ये परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन पर आधारित है ऑप्शन सी करेक्ट होगा रिफ्लेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निम्न कि इसमें उदर्व पातन प्रक्रिया नहीं होती सब्लिमेशन अमोनियम क्लोराइड में नहीं होती ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड है द्रव है तो ये धातु है ये मेटल है मर्करी यानी कि पारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा मरकरी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द एनिमल सेल निम्नलिखित में से निम्न में से जंतु कोशी का कौन सा बिजली घर कहलाता है पावर हाउस कहलाता है माइट्रोकॉन्ट्रिया माइट्रोकॉन्ट्रिया ऑप्शन सी

नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है 146th क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट वेट्स 60 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अर्थ पे एक किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है 60 न्यूटन है व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून आपको पता है मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की अपेक्षा जो है 1/6th है तो अर्थ पे जाके उसका जो वेट रहेगा तो वो 6 6 से डिवाइड हो जाएगा तो ओके okay. तो डिवाइड करें तो टेन यानी टेन न्यूटन ऑप्शन बी करेक्ट होगा टेन न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर द फॉलोइंग में से कौन सा जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है तो तारामंडल जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है ऑप्शन सी करेक्ट होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्ज इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है आंतरिक निषेचन ये किसमें होता है मादा के शरीर में नर के शरीर में मादा के शरीर के बाहर तो नहीं होता क्योंकि इंटरनल है तो मादा के शरीर में होता है ओके इंटरनली होते हैं ऑप्शन ए क्रेक्टोवस में स्टेटमेंट है एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड जब वायु जो है गतिशील होती है तो वो पवन कहलाती है हवा कहलाती है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट है है ऑक्सीजन स्पोर्ट बर्निंग एंड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो ऑक्सीजन है ये ज्वलन में सहायक है और श्वसन के लिए आवश्यक है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यानी कि बोथ स्टेटमेंट ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर गिवन आर टू ट फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ सेवन कलर्स बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो व्हाइट लाइट होती है ये सेवन कलर्स के द्वारा कंपोज होती है विप ग्योर द्वारा सेकेंड स्टेटमेंट है रियल इमेज कैन नॉट बी ऑपटेन्ड ऑन अ स्क्रीन स्टेटमेंट गलत है रियल इमेज जो इमेज है कैन बी कैन बी ऑपटेन्ड ऑन अ स्क्रीन यहां पे कांट लिखा है जो कि गलत है तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है सेकंड गलत है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 181 अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन दर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में आपको ये अरेंज करनी है लेंथ देखिए इंक्रीजिंग में करनी है तो सब पहले सबसे छोटी आएगी यानी सबसे पहले वन मिलीमीटर वन मिलीमीटर फिर सेंटीमीटर फिर मीटर और लास्ट में किलोमीटर तो थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर वन एटी टू अरेंज द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लिस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव टू लिस्ट रिएक्टिव अगर इनमें से मोस्ट रिएक्टिव देखें पोटासियम गोल्ड मर्करी एंड जिंक पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव है मोस्ट रियक्टिव पोटासियम जो है गोल्ड है, है. है तो पहले पे आएगा में आएगा गोल्ड यानी फर्स्ट पे एक आएगा और लास्ट पे टू आएगा पोटासियम सबसे ज्यादा फिर उससे कम देखे तो जिंक देन मर्करी एंड लास्ट में गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव वन फोर थ्री टू ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 फॉलोइंग साउंड कैन नॉट इन वैक्यूम बिल्कुल करेक्ट है साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है सेकेंड स्टेटमेंट है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन नॉट बी नहीं गलत है, है अप्रिय ध्वनि होती है वो शोर कहलाती है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन हर्ड ना कि मीटर पर सेकेंड ओके तो ये भी गलत है सेकेंड थर्ड सही है सेकेंड गलत है और फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है साउंड ट्रेवल नहीं होती है वैक्यूम से तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है थर्ड करेक्ट है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बी करेक्ट होगा लास्ट क्वेश्चन है साइंस uh, का फॉलोइ स्टेटमेंट दोल ऑफ शूज आर ट्रेडेड टू डिक्रीज फ्रैक्शन शोल होती है उसको घर्षण कम करने के लिए खाचेदारीज द फ्रैक्शन फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए घर्षण को बढ़ाने के लिए सोल को खांचेदार बनाया जाता है निशान डाले जाते हैं उसमें तो ये गलत है उल्टा दे दिया है स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन स्टेटिक फ्रैक्शन करेक्ट है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट बिल्कुल सही है और फोर्थ देखते हैं फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज यूजिंग लुब्रिकेंट्स जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे ग्रीस हो गई ऑयल हो गया इनका यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए डिक्रीज करने के लिए ना कि इंक्रीज करने के लिए तो ये भी उल्टा दिया है फोर्थ भी गलत है फर्स्ट भी गलत है सेकेंड और थर्ड सही है सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा ओके सो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे एच पी एलाइट सर्विसेज़ के एग्जामिनेशन में आज इसके बाद हम हिस्ट्री पॉलिटी जो हमें और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और अगर आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप हमें फ़ॉलो कर पाएंगे इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखे एग्जाम का लेवल कैसा था आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कमेंट सेक्शन में जो लिखे और वीडियो को लाइक करें ओके थैंक यू सो मच